सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन चौहान। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज तो टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम कर ली और अब बारी है T20 सीरीज की, क्योंकि भारतीय टीम पूरा दमखम लगाना चाहेगी T20 सीरीज में। पहला मुकाबला कटक के मैदान से शुरू होने जा रहा है, 20 तारीख को मुकाबला है। ऐसे में भारतीय टीम युवा चेहरों के साथ उतरने जा रही है। कौन से होंगे वो 11 खिलाड़ी जिन खिलाड़ियों के दम पर भारतीय टीम श्रीलंका को पहले मैच में धूल चटाएगी, तो चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो रोहित शर्मा और केएल राहुल, क्योंकि शिखर धवन है नहीं। ऐसे में केएल राहुल को पूरा मौका मिलेगा, तो केएल राहुल रोहित शर्मा का साथ देंगे। कप्तान है रोहित शर्मा, जिस तरीके से उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी वनडे मैच में, ऐसी उम्मीद है कि T20 में भी वो कुछ धमाका कर दें। उसके बाद अगर वन डाउन की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त खेल दिखाया है। वनडे सीरीज में 2 अर्धशतक लगाए हैं, 3 मैचों में, 3 मुकाबलों में 2 अर्धशतक, और जबरदस्त अर्धशतकों के दम पर ही टीम इंडिया ने दोनों मैच श्रीलंका को हराए हैं। ऐसे में वो टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। उनके बाद नंबर आता है मनीष पांडे का, वो भी टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। ज्यादा बल्लेबाजी का उन्हें मौका मिला नहीं, ऐसे में वो टीम इंडिया का हिस्सा यहां पर रहने वाले हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया का हिस्सा होंगे विकेट कीपर के तौर पर, वो आपको खेलते दिखेंगे और उम्मीद है महेंद्र सिंह धोनी से कि वो भी अपने जबरदस्त छक्के यहां पर दिखाए। उसके बाद नंबर आता है हार्दिक पांड्या का। लगातार वनडे सीरीज में हमने देखा है कि हार्दिक पांड्या खेले हैं, हालांकि वो दमखम वो दिखा नहीं पाए। ऐसे में अब उन्हें अपनी खोई फॉर्म को तो वापस पाना ही होगा, साथ ही T20 में धमाका भी करना होगा। ऐसे में वो भी टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। उसके बाद अब बात भारतीय गेंदबाजों की कर लेते हैं। अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव दो स्पिनर रहने हैं, लेकिन इनसे पहले एक खिलाड़ी का नाम और आपको बता दूं। वो खिलाड़ी है वाशिंगटन सुंदर, जिन्हें एक वनडे मैच खेलने का मौका मिला था, एक विकेट भी उन्होंने लिया था। ऐसे में T20 में उन्हें मौका दिया जाएगा, क्योंकि वनडे का उन्हें अनुभव हो गया है और अब कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर T20 में भी मौका दिया जाएगा, तो वो भी टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। अब भारतीय गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो दो पेसर रहने वाले हैं, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार है नहीं। ऐसे में टीम रहने वाली है, यह है प्लेइंग 11 वो टीम इंडिया जो श्रीलंका के साथ कटक के मैदान पर आपको खेलती दिख सकती है। तो दोस्तों आप इस टीम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को खेल की खबरों के लिए लगातार अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली रिपोर्ट में जल्द, नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यहीं मिलेंगी।